नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। रोज हमें फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स आते रहते हैं, लोग पूछताछ करते रहते हैं, काफ़ी सारी उनकी कंप्लेंट्स बताते रहते हैं। मैंने सोचा कि आज उनके शब्दों में, लोगों के शब्दों में, जो लोग कंप्लेंट करते हैं उनके शब्दों में आपको कुछ सुनाऊं कि एक्चुअली वो कौन सी बीमारी से गुजर रहे हैं या उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनको तकलीफ क्या आ रही है उनके शब्दों में। क्योंकि हम तो बताते हुए बीमारी कौन सी है, उसके ऊपर उपचार क्या है। तो कुछ मैं आपको लक्षण बताता हूँ, सिम्टम्स की, जो उसमें से लोग गुजर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप भी उसको रिलेट करेंगे और उसमें से आपको भी कुछ रास्ता मिलेगा। अभी देखिए, 25 साल का लड़का है, मैं पढ़ के बताता हूँ। काफ़ी सारे लेटर्स भी हमें आ चुके हैं, व्हाट्सएप आए हैं, मेल्स आए हुए हैं। तो इसमें 25 साल का लड़का है, सेक्स करने के समय शीघ्र पतन होता है, शादी होने की है, एक मिनट के अंदर वीर्य स्राव हो जाता है, लिंग में कठोरता कम है, कल फर्स्ट टाइम सेक्स किया था और यह तकलीफ मालूम हो गई, घर में शादी की बात चालू है और बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि शादी करूंगा तो कैसा होगा, क्योंकि कल ही सेक्स पहली बार किया और उसमें जमा नहीं। एक दूसरा लड़का है 24 साल का, इसमें इनको आता है बार बार सोच, सेक्स की सोच बार बार आती है, घर वाले रिश्तेदारों में बातें चालू है कि भाई इसकी शादी करवाना है करके, मगर घर वालों के बारे में और रिश्तेदारों के बारे में ही गंदी सोच आती है, सेक्स की भावना आती है उसको, नींद नहीं आती, मतलब जो रिलेटिव है उनके बारे में ही सेक्स की भावना आती है, उनके साथ में सेक्स करो ऐसी भावना आती है, गंदी सोच आती है, उसने लिखा है। नींद नहीं आती, दिमाग काम नहीं करता, चिंता लगी रहती है और एक साल से नकारात्मक सोच आ रही है, दिमाग बहुत भारी भारी लगता है, सिर पूरा दुखते रहता है और ये 6-7 महीने से चालू है। और ये भी लड़का जो है, ये इनकी शादी होने की है। फिर ये एक 40 साल के है युवक, और इन्होंने लिखा है कि लिंग में कठोरता नहीं आती है, समझो आती है कभी तो फटाक से निकल जाती है, जल्दी निकल जाती है, 2 मिनट के अंदर ही शीघ्र पतन हो जाता है, फिर बाद में सेक्स करने की इच्छा होती नहीं है और शुक्राणु की संख्या कम है, और उनको 4-5 साल से ये तकलीफ हो रही है। और इनको एक्सीडेंट हुआ था 4 साल पहले, तो बाया अंडकोश जो है वो निकाला हुआ है, इनको कोई बच्चा नहीं है और स्पर्म काउंट कम है, तो नेचुरल है, शुक्राणु कम है, तो शुक्राणु की संख्या कम है तो बच्चा होने के चांसेस, और एक तो वो अंडकोश निकाला भी है तो चांसेस कम लगते हैं बच्चा होने के, तभी भी इनका इलाज बच्चे का चालू है और ये जो कठोरता नहीं आती उसके लिए वो हमारे पास में आए हुए हैं। फिर ये है डॉक्टर साहब, शादीशुदा है और इनको 8 साल से दारू पीना चालू है, वो शराब छोड़ने की दवा लेते हैं और उससे उनको आराम पड़ता है, वो हमारी दवा ले रहे हैं, डायसल्फिराम की दवाई चालू है, मगर बहुत ज़िद्दीपना होता है, कभी कभी इतनी ज़िद्द करते हैं कि पूरा दिन भर फिर वही शराब पीते रहेंगे। ये एक लड़की है 4 साल की, उसके लिए उसके पेरेंट्स ने हमें संपर्क किया, और इसमें इनका प्रॉब्लम यह है कि ये आई कांटेक्ट नहीं करती, आई टू आई कांटेक्ट, 4 साल की लड़की, उसको गुस्सा बहुत आता है, खुद होकर खाना नहीं मांगती है, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत चिड़चिड़ापन करती है, खुद के गाल के ऊपर मार लेती है, माँ को गाल के ऊपर मारेगी, किसके साथ में मेलजोल नहीं, मिलती जुलती नहीं है, खाना बहुत कम खाती है, पीछे पीछे लगना पड़ता है खाना खाने के लिए, और क्लियर कट बात नहीं कर सकती। तो इसको हमने इंस्पिराल की दवाई दिया था, मिथिलफेनिडेट, कुछ महीने पहले, और उनका कहना ऐसा है कि मेथिलफेनिडेट जो दवाई है उससे उसको काफ़ी आराम पड़ा है, 50% आराम उनको पड़ा हुआ है, और वो चाहते हैं कि वो दवाई कंटिन्यू करे, और कुछ काउंसलिंग के लिए भी हमने बोला है माँ बाप को काउंसलिंग करने के लिए, और वो तैयार है, तभी वो काउंसलिंग जल्दी ही चालू करने वाले हैं। फिर ये और एक है 47 ईयर्स, इन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है, टीचर, और इनको लक्षण जो है ऐसे है कि नकारात्मक विचार एवं सोच बहुत ज़्यादा आता है,
भगवान के प्रति बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं और गंदे सपने आते हैं, सपने में चिल्लाते हैं। 3 घंटे बड़े पर्दे पर जब ये मूवी देखते हैं तो उनको चक्कर आ जाता है, तो वो देखते ही नहीं, अभी सालों से गए नहीं हो। फिर अभी छोटे पर्दे पे मतलब टीवी पे भी मूवी देखना चालू कर दे तो उनको दिमाग, उन्होंने लिखा है कि दिमाग हक्का बक्का होता है और किसी से बात करने पर विचित्र ऐसा लगने लगता है उनको, मतलब किसी से बात करना अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं किससे बात करने के लिए। बार बार एक ही काम दोहराएंगे, हाथ धोना बार 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 करेंगे, स्नान बार बार करेंगे। बाहर कभी जाते ही है घर के बाहर तो खुद को सवाल करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे अटैक आएगा क्या, हार्ट अटैक, मैं मर जाऊँगा क्या। और उनके मस्तिष्क में 2400 घंटे चक्कर चले रहते हैं और डर लगा रहता है कि अटैक आ जाएगा। दिमाग में बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि जमीन नीचे नीचे जा रही है और अपन भूल रहे, पूरा एकाग्रता नहीं है। हरदम पेट फूला रहना, पेट साफ नहीं होना और शक और बहम कोई भी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। अभी इनको हमने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले रादर दवा दिया था और उनको हमने हिप्नोथेरेपी भी बताई थी, तो इनका कहना ऐसा है कि इनको वो दवाई से 40% फ़ायदा हुआ, हिप्नोथेरेपी से फ़ायदा हुआ है और वो और कंटिन्यू करना चाहते हैं हिप्नोथेरेपी और ये दवाइयाँ। तो ये अलग तरह का प्रेजेंटेशन है, मतलब ये सब मिक्स प्रेजेंटेशन है। क्या होता है कि बहुत बार ऐसे न्यूरोटिक बीमारियाँ जो है वो मिक्स रहती है, मतलब सब तरह के लक्षण एक ही जगह मिल जाएंगे, एक ही व्यक्ति में मिल जाएंगे, और फिर हमको ऐसा पिन पॉइंट नहीं करते आता कि भाई ये बीमारी ये है। इतना पक्का है कि ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस है और इलेक्ट्रिकल चेंजेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, और थॉट प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होने के बावजूद फिर उनको ये ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। फिर यह 31 साल के, इनको है पेट की समस्या, सुबह सुबह उल्टी हो जाती है उठने के बाद, खाने में बिल्कुल मन नहीं करता, खाना पचता नहीं है और पेट बिल्कुल साफ होता नहीं है, पेट ऐसा फुला रहता है, फिर ढकार आती रहती है, और जब पेट फुला हो जाता है एकदम ऐसा टाइट हो जाता, पेट फुला हो जाना, फिर खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, खट्टी ढकार आना, फिर ज़बरदस्ती वो खाने को बैठते हैं क्योंकि खाए नहीं तो फिर उनको लगता है कि खाना भी नहीं खाया है, तो ज़बरदस्ती खाएंगे कुछ, तो भी फिर गोलियाँ खाएंगे कुछ, पचन पाचक कोई आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे, और फिर थोड़ा सा हल्का लगेगा तो फिर थोड़ा अनाज खाएंगे। मगर ज़्यादातर उनका यह है कि ढकार आना, उल्टी होना, एसिडिटी होना, पेट फूलना और लैट्रिन साफ नहीं होना। तो इनको भी हम मतलब IBS का प्रॉब्लम है, अर्थात तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम बोलते हैं इसको, तो उसके लिए मैंने उनको दवाई दे के रखी है और दवाई से फ़ायदा हो जाएगा उनको काफ़ी, और दवाई के साथ साथ हिप्नोथेरेपी हम देते हैं कि भाई ये जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन को आप रिलैक्स करो और ऐसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आप अपने ऊपर प्यार कर रहे हो, अपने ऑर्गन्स के ऊपर प्यार कर रहे हो, जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको रिलैक्स कर रहे हो, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी, उससे IBS में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर यह है मेहमान 26 साल के, इनकी शादी होने की है और इनका प्रॉब्लम यह है कि कोई भी लड़की के साथ में बातचीत जब करते हैं तो उनका ख्याल जो है उनके ब्रेस्ट की तरफ जाता है और वो बार बार ब्रेस्ट की तरफ ही देखते हैं और फिर उनको बहुत ही घबराहट हो जाती है, उनको बहुत ही शर्म लगती है कि भाई मैं उसके ब्रेस्ट की तरफ कैसे देख रहा हूँ और वो क्या बोलेंगी लड़की, और कोई भी लड़की रही तो, मतलब घर में भी बहन भी रहे, माँ रहे, कोई भी कोई अपोजिट मतलब पार्टनर है, स्त्री है या, तो उनके ब्रेस्ट की तरफ ख्याल जाएगा और फिर वो एकदम बेचैन हो जाना, अपराध बोध की भावना, शर्मिला लगना, फिर वो लड़कियों को टालना, बात नहीं करना, फिर वो आई टू आई कॉन्टैक्ट देते नहीं है, और जब आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर नेचुरली मतलब नीचे देख के बात करना तो वो भी और सा लगता है। तो इनके सेक्सुअल ओसीडी का प्रॉब्लम है एक्चुअली, बार 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 विचार आना, और फिर एक्चुअली उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, ना किसी ने कि उनको कुछ कभी बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, मेरे ब्रेस की तरफ क्यों देख रहे, मेरे तरफ देखो, ऐसा किसी ने कुछ बोला नहीं, इनको ही लगता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है। फिर ये 26 साल की लड़की है और
ये आखिरी का अभी बता रहा हूँ मैं, लास्ट थोड़ा सा अलग है करके बता रहा हूँ। उनको डर है और बाहर कहीं भी जाने को इच्छा नहीं है, कोई इच्छा ही लगती नहीं, मतलब कोई इच्छा होती नहीं बाहर जाने की। और पिछले एक साल से वो घर पे बैठी है, उनको कोरोना का डर लगता है, कभी बाहर गई नहीं इतना कि मतलब एक्चुअली लिटरली हो रही बाहर ही नहीं गई अभी एक साल से। बार 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 विचार आते हैं, खुदकुशी करने की भी इच्छा होती कभी कि ये क्या जीना है क्या, इतना डर है तो मर गए तो अच्छा रहेगा। नींद नहीं आती, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, आत्मविश्वास की बहुत ही कमी है, जीव घबराना जी घबराता है, और मैं कुछ भी नहीं अभी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसा उनको लगता है। मतलब इतना है कि वो घर के बाहर जाना नहीं है तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसको बस घर के बाहर जाने के लिए मत बोलो तुम, क्योंकि उसको लगता है घर जाएंगे तो कोरोना, घर के बाहर जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, कोरोना हो जाएगा। तो इतना कोरोना का डर है। उनको भी मैंने मेडिसिन दी हुई है और हिप्नोथेरेपी के लिए बोला हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है। ज़्यादातर लोगों में जो है ना 10-15% लोगों को मिक्स प्रॉब्लम है, और मिक्स प्रॉब्लम के लिए हम बोलते हैं कि भाई अभी रिलैक्सेशन करो, एक्सरसाइजेस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, मेडिसिंस, ये लेते हैं तो डेफिनेटली फायदा होता है। कितने दिन तक? तो दवाई कुछ दिन तक लेना है, फिर दवाई धीरे 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 दवाई बंद करना है और फिर हिप्नोथेरेपी कंटिन्यू करना है। ये करेंगे तो डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर्स दिए हुए, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हिप्नोथेरेपी, CBT, NLP ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।